हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। मैं रवि रावत आपका स्वागत करता हूं टेक्नोबाजी में। और आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पुरानी विंडोज 10 को फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं लेटेस्ट विंडोज 10 के अंदर, वो भी हमारे डेटा को बिना गवाए हुए और बिना सिस्टम को फॉर्मेट किए हुए। तो इसके लिए आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी विंडोज लाइसेंस एक्टिवेट होनी चाहिए। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी विंडोज लाइसेंस एक्टिवेट है या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन नजर आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एक्टिवेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्टिवेशन वाली जो टैब है इसके ऊपर आपको नजर आएगा विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस। अगर आपके सिस्टम प्रॉपर्टीज में ये मैसेज आ रहा है तो ही आप अपनी पुरानी विंडोज 10 को लेटेस्ट विंडोज 10 के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। और दूसरे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस विंडोज के एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के एडिशन के अंदर ही आप लेटेस्ट विंडोज को अपग्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप विंडोज होम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडोज होम के ही लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, और विंडोज प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडोज प्रो में ही लेटेस्ट में अपग्रेड कर सकते हैं। 32 बिट की विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 32 बिट में ही अपग्रेड कर पाएंगे, और 64 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ 64 बिट में ही अपग्रेड कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 32 बिट का इस्तेमाल करते हुए 64 में अपग्रेड हो जाएं, या फिर 64 का इस्तेमाल करते हुए 32 में अपग्रेड हो जाएं। पुरानी विंडोज 10 को लेटेस्ट विंडोज 10 में अपग्रेड करने के लिए हमें रिक्वायर होगी विंडोज 10 के लेटेस्ट सेटअप की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले विंडोज 10 के सेटअप को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्राउजर को ओपन करना होगा और सर्च करना होगा आपको विंडोज 10 डाउनलोड। पहला जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का ही आएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा विंडोज 10 में 2019 अपडेट, जो भी लेटेस्ट रिलीज होगा उस समय का जब भी आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो वही यहां पर आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे आपको दिखाई देगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड टूल नाउ। इस टूल पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मीडिया क्लियरेशन टूल से अगर विंडोज को डाउनलोड करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि बैकग्राउंड में डाउनलोड करता है विंडोज 10 को, और कितना जीबी ये डाउनलोड करने वाला है और इसमें कितना टाइम लगने वाला है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, आजकल मोबाइल के इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो डेली 1.5 GB या 2 GB की लिमिट हमें मिलती है, और ये जो सेटअप है तकरीबन 6-6.5 GB का डाउनलोड होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं जो अब आपको मेथड बताने वाला हूं आप उसी मेथड से विंडोज 10 को डाउनलोड करें। अब आपको यहां पर क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर F12 प्रेस करना है, ठीक है। और जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर F12 प्रेस करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ कमांड्स वाली बार आ जाएगी, ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है, अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक टोंगल बार नजर आएगी, ठीक है, इस तरह से। यहां पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पहले से क्लिक हो रखी है तो ये मोबाइल व्यू के अंदर आपका जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर मोबाइल व्यू में ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार आपको इस टोंगल व्यू पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वेब पेज जो है वो एक मोबाइल के वेब पेज की तरह हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली एक बार आपको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहां पर रिफ्रेश कर देता हूं, और जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका वेब पेज है वो कुछ चेंज हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि वेब पेज अब चेंज हो गया है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट एडिशन, ठीक है। अब यहां पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही यहां पर आपको जो भी लेटेस्ट एडिशन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, यहां पर आपको आपके प्रोडक्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहां पर इंग्लिश इंटरनेशनल में चूज कर लेता हूं और इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। अब आप यहां पे देख सकते हैं विंडोज 10 इंग्लिश इंटरनेशनल के आपको दो सेटअप मिल रहे हैं, 32 बिट का और 64 बिट का। आपको चेक कर लेना है कि आपकी विंडोज कितने बिट की है, उसी के अकॉर्डिंग यहां से आपको विंडोज को डाउनलोड कर लेना है। तो यहां पर मैं 64 की बिट का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे यहां पर 64 बिट का सेटअप डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहां पर 64 पे क्लिक कर देता हूं, और क्लिक करने के साथ ही विंडोज का सेटअप जो है वो डाउनलोड होने लग जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज का 64 बिट का सेटअप जो है 4.60 GB का आसपास का है। तो यहां से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आपकी विंडोज की ISO को सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जो भी सिस्टम में मौजूद है आपके ड्राइव सी के अलावा, उसके अंदर आपको क्या करना है, पेस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर मेरी ई ड्राइव के अंदर इसे पेस्ट कर लिया है।
अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसके सेटअप को एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं यहां पर पहले इसके सेटअप को एक्सेप्ट कर लेता हूं। विंडोज 10 को लेटेस्ट विंडोज के अंदर अपग्रेड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो ये, आपकी जो सी ड्राइव है उसके अंदर कम से कम 15 GB का स्पेस फ्री होना जरूरी है, तभी आपकी विंडोज अपग्रेड हो पाएगी। और दूसरा ये कि अगर आपने कोई विंडोज के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है तो उसे भी आपको अनइंस्टॉल करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जहां पर आपने आपकी विंडोज के सेटअप को एक्सेप्ट किया है उसे ओपन करना होगा। और ओपन करने के बाद यहां पर आपको सेटअप नजर आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू हेल्प मेक द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज बेटर, इस पर टिक कर देना है आपका। आप चाहे तो टिक रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गेटिंग अपडेट्स, चेक फॉर अपडेट्स, यहां पर आपकी विंडोज जो है वो अपडेट के लिए चेक करने लग जाती है। इस समय अगर आपका नेट कनेक्शन ऑन है तो विंडोज इंटरनेट से अपडेट्स को डाउनलोड करने लग जाता है, और अगर आपने ऑफ कर रखा है तो ये कुछ टाइम बाद आगे बढ़ जाएगा। चेकिंग योर पीसी, वी आर गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। इसके बाद आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाता है, इसे आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रेडी टू इंस्टॉल ये मैसेज आने लग जाएगा, इंस्टॉल विंडोज 10 प्रो। यहां पर जो आपकी विंडोज का एडिशन होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, और यहां पर आपको दिखा रहा है कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, इसका मतलब आपकी जो फाइल्स हैं और जो एप्लीकेशन है वो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद विंडोज का सेटअप, विंडोज की इंस्टॉलेशन फाइल्स आपके सिस्टम में कॉपी करने लग जाएगा। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक का समय लग सकता है, और हो सकता है इससे ज्यादा का समय भी लग जाए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको कम टाइम लगे, और अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा पुराना है या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है तो इसमें लगने वाला टाइम ज्यादा भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका सिस्टम 2 या 3 बार रिस्टार्ट हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को प्रोसेस कंप्लीट करने दीजिएगा और इस प्रोसेस को बीच में टर्मिनेट नहीं करिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी विंडोज का अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डेमो के लिए 2 फाइल्स छोड़ी थी, तो यहां पर वो दोनों फाइल्स मुझे अवेलेबल हो गई है। इसका मतलब मेरा डेटा भी एज इट इज है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम हमारी विंडोज का एडिशन चेक कर लेते हैं। तो यहां पर सिस्टम के ऊपर मुझे राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के साथ ही मुझे आना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आपको आना होगा सिस्टम के अंदर। तो मैं यहां पर सिस्टम पे क्लिक कर देता हूं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, और यहां पर आपको अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको आना है। तो अबाउट पे क्लिक कर देता हूं और इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आना है। आप यहां पर देख सकते हैं एडिशन विंडोज 10 प्रो है, और इसका जो वर्जन है 1903 जो अभी लेटेस्ट है वही दिखा रहा है। तो हमारी विंडोज 10 लेटेस्ट रिलीज के अंदर अपग्रेड हो गई है। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी विंडोज एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो मुझे यहां पर दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना होगा, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप यहां पर ये चेक कर सकते हैं विंडोज इज एक्टिवेटेड। अब हम डिजिटल लाइसेंस के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे यहां पर राइट क्लिक करना होगा, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर आना होगा। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन का, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, और आप यहां पे देख सकते हैं विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस, मतलब आपकी विंडोज जो जेन्युइन थी वो जेन्युइन ही है, डिजिटली लाइसेंस्ड है। दोस्तों अपग्रेडेशन का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी एक टास्क और है जो हमें करना बाकी है। हमारी प्रीवियस विंडोज का जो फोल्डर है वो भी अभी भी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। सी ड्राइव को अगर हम ओपन करेंगे तो यहां पर आपको 2 विंडोज के फोल्डर नजर आएंगे, विंडोज और विंडोज डॉट ओल्ड। ये जो विंडोज डॉट ओल्ड का फोल्डर है ये हमारी पुरानी विंडोज 10 का फोल्डर है, इसे हमें डिलीट करना है। तो राइट क्लिक करने से अगर हम यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, इसको हमें डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी से डिलीट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, सी ड्राइव के ऊपर जाना होगा, सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज में आना होगा। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको डिस्क क्लीनअप इस वाले ऑप्शन में आना होगा, देगा क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहां पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, और यहां पर आपको दिखाई देगा प्रीवियस विंडोज इंस्टॉलेशन, इस पर आपको चेक कर देना है। देखिए ये तकरीबन 20 GB के आसपास का इसके अंदर स्पेस बता रहा है जो कवर किया हुआ है इसने हार्ड डिस्क के ऊपर,
इस पे मुझे टिक कर देना है और टिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है और डिलीट फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी के साथ डिस्क नंबर यूटिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपके सिस्टम के अंदर से windows.old वाला फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसानी से अपनी पुरानी विंडोज 10 को लेटेस्ट विंडोज 10 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी बिना डेटा को खोए हुए और बिना सिस्टम को फॉर्मेट किए हुए। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दबा देना बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।